बार बार कह रहे हैं कि खेला होवे कैसे आपको लगता है कि तो दो बता दे तो खेला ना हो कोई काम हो रहा है बिहार में? इन लोगों को कोई बिहार की चिंता थोड़ी ना, इन लोग तो कहीं कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, और दोनों जगह से हम लोग जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि सभी लोगों का जो है प्यार मिल रहा है, सभी वर्ग सभी जाति सभी धर्म के लोगों का जो है प्यार हम लोगों को मिल रहा है। लोग जो बहुत ही आक्रोश में है सरकार से उठ चुके हैं, दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है विधायक दोनों जगह 15-15 साल तक उन्हीं के रहे, केंद्र में उनकी सरकार है, NDA के MP भी हैं, मतलब तारापुर कुशेश्वर स्थान से लेकर के केंद्र तक लगातार उनकी सरकार है, और क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना प्यार आशीर्वाद दिए, क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं। आप कुशेश्वर स्थान चले जाइए, कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वहाँ, तो कमर तोड़ सड़क है, सड़क का आप हालत एकदम जो है बहुत ही क्षेत्र का बुरा हाल है। लोग नाव पर जो है निर्भर करते हैं, हर जगह पानी लगा है, कहीं अस्पताल नहीं, कहीं कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं, कोई मतलब ब्लॉक थाना सब लोग परेशान हो चुके हैं, और दोनों जगह प्रत्याशी को जो है लोग प्यार दे रहे हैं। अच्छा लालू जी जाने वाले हैं, क्या लगता है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उन्होंने आज कार्यक्रम है, आप जान रहे हैं सबसे पहले तो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कृष्ण बाबू जी की हम लोग जो है सामने में हम लोग जो है बरबीघा जा रहे हैं, बरबीघा से फिर हम लोग जो है झारखंड का दौरा है, क्योंकि जैसा हमने कहा फिर शाम में हम लौट आएंगे। धुआंधार प्रचार किया जाएगा जेडीयू की ओर से, आप सड़क की बात करें उधर कहा जा रहा है कि सड़क भी नहीं है, पूरा कैबिनेट जो है पटना में नहीं नजर आएगा, कोई काम हो रहा है बिहार में? इन लोगों को कोई बिहार की चिंता थोड़ी ना, इन लोग तो कहीं कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इकलौते घूम रहे हैं और इधर पूरी कैबिनेट को झोंक दिया गया है, और तो हम तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, ये लोग किस हद तक जा रहे हैं, हर चीजें बोलने वाली नहीं। लेकिन आप दावा कर रहे हैं जनता से कि खेला होगा, आप कह रहे हैं कि खेला होगा जो है विकास के नाम पे जनता ने सरकार एनडीए की बनाई थी, इस बार दोनों सीटों पर भी विकास के नाम पे ही वोट जाएगा, बांग मारने वाले बांग नहीं मारते रह जाएंगे। ललन सिंह ने कहा, ललन सिंह ने कहा है कि 20 के चुनाव में जिस तरह से विकास के नाम पे वोट हुए थे, सरकार बनी थी, कौन क्या कहता है जिसका जनता में जनाधार नहीं है, जो जमीनी हकीकत नहीं जानता, इस पर क्या टिप्पणी? आप जो बार बार कह रहे हैं कि खेला, एक बात तो सोचना पड़ेगा ना, आकलन कभी उन्होंने या किसी और ने किया है कि तीसरी नंबर या चौथी नंबर की पार्टी कैसे बन गई? तेजस्वी जी आप बार बार कह रहे हैं कि खेला होवे कैसे आपको लगता है कि दोस्त बता दे तो खेला ना होवे? तेजस्वी जी आप